सालों में इमरान खान साहब के साथ शामिल था, और ना ही इन्होंने यहां जवाब दे रहे हैं, बल्कि नई सियासत की नई राहें वो तलाश कर रहे हैं। सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। पहले उन्होंने इस मुल्क में तफरकाबाजी की कोशिश की, जब तफरकाबाजी में नाकाम हुए और फिर ये खत्म नबूवत की बात छेड़ी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, पाकिस्तान में ऐसा वजीर दाखला इमरान खान साहब ने लगाया है, अगर किसी ने मेरे से ज्यादा जेल काटी हो खत्म नबूवत में, खा वो शोरश कश्मीरी के साथ हो, अता मौलाना अजीज जो हैं लाल मस्जिद अली उनके वालिद अब्दुल्ला साहब हों, या शेखुल कुरान गुलामुल्ला साहब हों, ताजपुरी साहब हों, मेरी सारी तारीख भरी पड़ी है कि मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूं। और जब खत्म नबूवत का सिपाही वजीर दाखला होता है तो ऐसी बातें करना भी मेरा ख्याल है गैर जरूरी है। और आप इसराइल रैली कर रहे हैं, कौन इसराइल को मान सकता है जी? अब आपको इस्ताम लिख कर दें फजल रहमान साहब को कि हम खत्म नबूवत के सिपाही हैं, और इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी आदमी होगा इमरान खान इस पाकिस्तान का जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा। और चार बातें मैंने कही थी उस वक्त मैं रेलवे में था। नंबर वन, ये इस्तीफे नहीं देंगे। नंबर टू, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नंबर तीन, ये जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चार का मैंने एतराफ किया था कि ये लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने पहले रावलपिंडी के रुख करने का ब्रेकिंग, ये चाहते हैं कि बस डिस्कशन शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मीडिया इतना जबरदस्त है कि वो ब्रेकिंग न्यूज ये चाहते हैं। और शुक्र है उन्होंने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद ही आएंगे, और इस्लामाबाद में कोई उनके लिए रुकावट नहीं है। अभी तक तो कोई रुकावट नहीं है। हम उनका 19 तारीख को बिहेव भी देखेंगे कि 19 तारीख को वो अपने सियासी आइनी और इखलाकी हक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अपने सियासी और आइनी हक को गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक शेर मेरा आजकल बहुत मकबूल है कि दुआ करोगे वफा करोगे, वफा करेंगे जफा करोगे, जफा करेंगे सितम करोगे, सितम करेंगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सो हमारी तरफ से खुला ऐलान है, आईन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे, आईन और कानून को हाथ में लोगे तो आईन और कानून आपको हाथ में लेगा। एनी क्वेश्चन जी? मजर एक मिनट ठहर जा, मजर तो मैं देता ना। बाबा एक बैठ जाए, एक से दस ग्रेड तक मैं पेंशन बिलियंस में दे गया हूं, बाकी जो रह गई हैं ये गरीबों को पहले दी हैं, वो भी मेरे से बेहतर वजीर हैं। और अब आपने ये बातें कर रहे हैं कि मैंने खरीदारी क्यों नहीं की। मैं बेवकूफ नहीं था, मैं भी खरीदारी कर सकता था, लेकिन इस लाहौर के मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, तीनों दफा मैंने टेंडर कराए, तीनों दफा चीन का सिंगल टेंडर लाया। अब आप मुझे बताएं, आप इतने बड़े साफी हैं, लाहौर हेडक्वार्टर है जर्नलिज्म का, अगर मैं सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करता तो आप ये ना कहते कि मैंने करप्शन की है। मैंने तीनों के तीनों रिजेक्ट किए, और बायोमेट्रिक में कर गया था टेंडर, और बिजली के जितने मुझसे लग सके थे, जितने पैसे जमा हो सके थे, सारा एक एक पीछा किया, वो कनेक्शन लग रहे हैं कानूनियों में। और मुझसे अच्छे वजीर आए हैं, मुतर्रक वजीर आए हैं, वो आईटी को समझते हैं। मैं आईटी जी मजर देखें, पीडीएम की क्यादत से हमें इतना डर नहीं है, कुछ और बातें हैं, अभी उसका वक्त नहीं आया। पीडीएम जो है पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है, खेलती रहे, टुक टुक, मेरा मतलब है वो टेस्ट मैच खेल रही है, खेलती रहे। मौलाना साहब जो हैं आखिरी 5 ओवरों का मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी हमसे गिला शिकायत नहीं होगी, हम उनका एहतराम बरकरार रखेंगे। अगर उन्होंने एहतराम का मतलब गलत लिया तो फिर मैं पार्लिमानी जबान में अर्ज कर चुका हूं
के 560 मदरसे हैं मजहर साहब इस्लामाबाद में, जिसमें से सिर्फ 92 रजिस्टर्ड हैं, 562 मदरसे हैं। ये मैं वो कह रहा हूं जिनके के कंपाउंड अटैच हैं। अगर मैं वो मस्जिदों के साथ जो हिफज वाले बच्चे शाम को चले जाते हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, ये उनका कर रहा हूं जिनके तुलबा वहां रहते हैं। सो हम किसी पर भी रजिस्ट्रेशन हमें करनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इस वक्त सियासी मसला है, इस वक्त ये मसला नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर लोगों ने मसले उठाए तो फिर सारे मसले उठेंगे। जी देखें, FIA अभी आज मुझे मजर ठीक कह रहा था और मलिक साहब भी कि मैं पूरे एक महीने के बाद 14 तारीख को ही मैंने चार्ज लिया, उसमें दो छुट्टियां आ गई, तो आप समझे अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ। FIA को ठीक करेंगे, ऐसा ठीक करेंगे कौम के लिए, जो लोग डिपोर्ट होके आते हैं उनका भी मैंने उनको कहा कि इनसे पैसे ना लें, इनको जेलों में ना फेंकें, ये गुर्बत के मारे लोग आए हैं, जिन पर अगर केस हो उस पर जरूर हाथ डालें, लेकिन जो पेट की गुर्बत खत्म करने के लिए मुल्कों से बाहर गए और डिपोर्ट हो गए उन पर नया कानून लाएंगे और उनको जी बेटे कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं है। इमरान खान जिसका नाम है, मैंने एक दफा कहा था कि डील नहीं ढील दी गई है पीपल्स पार्टी को, तो खान ने कहा यार ये जुमला तूने कहां से निकाला है। सो ना ढील है ना डील है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आईन और कानून का एहतराम करेंगे। जैसा करेंगे बड़ा अच्छा जुमला है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आईन और कानून का एहतराम करेंगे। जी मलिक साहब एक तेरा हो गया ना एक सवाल। अच्छा ओके, अभी जवाब देता हूं मलिक साहब। सही कह रहे, देखे ना पाना ठीक है मलिक साहब। देखें अभी तो ये 8-10 दिन ब्रॉडशीट ही चलनी है, मुझे तो ये नजर आ रहा कि इसकी 19 की जो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के सामने प्रोटेस्ट है वो भी ब्रॉडशीट की नजर हो जानी है, क्योंकि इतना मीडिया उस पर कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। लेकिन ये पनामा 2 है, जिस तरह पनामा में ये कोई जवाब नहीं दे सके इसी तरह ये कोई जवाब नहीं दे सके, और ये क्योंकि 8-10 दिन चलना है, तो मेरा ख्याल है आपका सवाल जबरदस्त है, इसमें और नए नए इंकशाफात होंगे। जी मैं यही हूं अभी। जी कौन कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और ISPR में फर्क है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कोई किसी को फोन नहीं कर रहा, किसी को शौक है कंपनी की मशहूरी के लिए कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है मुझे बड़ा तंग किया जा, ये समझ लें कि उसका दिल है इनको छोड़ के जाने। जितने लोगों ने इस्तीफे लिख कर दिए मैं चैलेंज करता हूं कंप्यूटर से लिख कर दिए, हाथ से एक आदमी ने इस्तीफा लिख कर नहीं दिया, और जब इनको बुलाया जाएगा कि आए जरा बताएं ये आप ही ने लिखा है, तो ये मुर्तजा बासी की तरह कहेंगे नहीं मैं तो नहीं लिखा, दो दफा मिला है, एक ही दफा उसने कहा मैं नहीं लिखा, ये मैं खाका उसको भेजा था अमीर मकाम को, पता नहीं किस तरह आ गया आपके पास। सर एक दफा हिलता है आदमी इस्तीफा देते हुए, अभी 2.5 साल पड़े हैं इमरान खान के को। जी अभी अभी अगर मेरी बात पे आप यकीन कर सकते हैं तो मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, जिसके कब जुमा मुबारक दिन है नमाज के बाद कह रहा हूं कि ये इमरान खान साहब का अपना फैसला था, बल्कि उन्होंने मुझसे, मैं तो जिस दिन खुद मुझे भेजा गया मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे वो लीड करते, इससे बड़ी बात नहीं मैं कह सकता। देखिए मैं उसकी नौकरी करता हूं उसके साथ वजीर हूं, तो जो बात सच है कह रहा हूं। जी बेटे वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है भाई पंजाब वाला, मुझसे मरकज का सवाल करो। जी बेटे जी अभी
देखें, कोई भी सियासतदान ये नहीं चाहता कि इंतशार और खलफशार बैठा हो, और कोई बात आखिरी बात नहीं होती, और दरमियान के रास्ते हर वक्त खुले होते हैं, और मुझे यकीन है कि अपोजिशन बंद गली में जाने की बजाय खुले खुले रास्तों में और खुले मामलात में तैयार होना चाहिए उसको बात। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है या नहीं करना, जो मेरे इख्तियार में वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बाकी फैसला इमरान खान का, उसने कहा नहीं करना। सो अब अल्लाह जाने और उसके काम जाने। एक बड़ा लीडर वही होता है दुनिया में जो अपने अवाम में आके जिंदा रहता है, जेल में रहता है। लोगों ने जेलों से, भुट्टो के दौर में लोगों ने सीटें जीती हैं, इंतखाब जीते हैं, और हमारे पड़ोस में लोगों का जेलों में इंतकाल हुआ है, लेकिन उनकी सियासत नहीं मरी। और अगर ये समझते हैं कि मैं तो बड़े सुकून में रहूं, ये लोग धक्के खाएं और इस ठंड में वहां जाके धक्के खाएं, सबसे पहले अब कई दुनिया में ऐसी तंजीमें हैं जो अपने खूनी बेटों को, खून ब्लड रिलेशन को कुर्बानी के लिए आगे करती हैं। मैं एक नहीं, दर्जनों दुनिया में ऐसी तंजीमों के नाम बता सकता हूं जो अपनी औलाद को, अपने पोतों को कुर्बानी के लिए आगे रखते हैं। ये जान बचाने के लिए अपनी औलाद को रखते हैं, मार खाने के लिए आपके बच्चे को रखते हैं। जी वो आप डॉलर पता लग जाएगा 8 दिन में आप। लास्ट 3 क्वेश्चन तेरे हो गए यार, दो मैं यार तेरा रेलवे वाला ही हाल है अभी भी। देखें, महंगाई, आटा आगे से सस्ता हुआ है, चीनी चंद दिनों में इंपोर्ट करने जा रहे हैं, चीनी चंद दिनों में इंपोर्ट करने जा रहे हैं, टमाटर, प्याज, आलू सस्ते हैं, घी महंगा है, लेकिन ये सारी महंगाई इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों और मनी लॉन्डर और पनामा और ब्रॉडशीट के लुटेरों की वजह से हुई। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट, पहले मैं पूछ जी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं इसका जवाब यह देता हूं कि उस असेंबली पे जिस पे फजलुर रहमान लानत भेजता है, लफज मैं आपका टीवी से आप निकाल के साथ मेरे जब आपके सवाल का जवाब दूं दिखाएं कि ये वो लफ्ज नहीं बोलता, लानत का लफ्ज मैंने बोल दिया है, कि ये असेंबली जो है जिसमें वो खुद सदर का कैंडिडेट हुआ, मैं इस पर लानत भेजता हूं, ये जाली और फलां असेंबली है। उस असेंबली में ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसी असेंबली में जिस पे लानत भेजते हैं, थूक के चाट रहे हैं ये। देखें, कभी कामन नुमाइंदा नहीं होगा। सिंध में तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा, पंजाब में नून लीग का और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा, केपीके में जमीयत उलमाए इस्लाम और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा, बलूचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ चारों सूबों में, चारों सूबों की एक कौमी सतह की अब पार्टी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर इधर उसामा, बिल्कुल मुतमिन है मैं, कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि अगर वो हाई कोर्ट के जज से कराना चाहें, सारे आदमियों को नौकरी से भी निकाला है, दहशतगर्दी एक्ट में भी डाला है, 302 में भी डाला, फट्टे पे लटका दिया सबके सबको। कोई एक बंदा अगर वो, उनसे मैंने खुद बात की, उनके घर चलकर भी गया, वो मुतमिन है। अगर ना मुतमिन हो तो अब तो कैबिनेट ने पास कर दिया है, सुबह में लॉ मिनिस्ट्री को खत लिखूंगा और हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी हो जाएगी। लास्ट सेकंड लास्ट देन लास्ट, मुझे मेरे भाईजान, मुझे नहीं पता कि उससे कोई नाराज हुआ ये, और फिर लास्ट मजर जी बच्चे। मुझे उन वजीरों का नहीं पता, शाम को तो सारे ही होते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। अच्छा ही किए थे फिर मजर, मैं मेरा टाइम पूरा हो गया दो जी।
एक पेज पे, बिल्कुल एक पेज पे। देखें, मैं आपसे जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि क्वेटा में जो कुछ भी मसले हल हुए उसमें हुकूमत और अस्करी लोग एक पेज पे थे, वरना मेरी क्या मजाल के मैं क्वेटा दो दफा जाता। मजर फिर लास्ट, यस एग्री, तेज करेंगे उसको, थोड़ा सा टाइम दे दें, एक महीना हुआ है सिर्फ। इंशाअल्लाह ताला 100 दिन के अंदर अंदर एफआईए को भी ठीक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ओ हो गया तेरा हूं।